नमस्कार साथियों। देखिए, आप में से अधिकतर जो एस्पिरेंट्स हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी भर्ती का, बीएसएफडी से काफ़ी सारे स्टूडेंट को इंतज़ार है। इन दोनों वैकेंसियों की वर्तमान में स्थिति क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखिए, आप सभी ने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें देखी होगी कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के पद कितने खाली आ रहे हैं, जो कि समथिंग 21,000 के आसपास में है, और इससे कुछ अधिक सेकंड ग्रेड के भी पद वर्तमान में खाली है। तो इन पूरे पदों पर तो जो न्यू वैकेंसी है वो आएगी नहीं, इनके लगभग आधे से थोड़े कम, यानी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की बात करें तो 6 से लगाकर 8,000 के आसपास में वैकेंसी आ जाएगी, और 10,000 के आसपास में सेकेंड ग्रेड की नई वैकेंसी आ सकती है। अब देखिए, अगर वैकेंसी इस समय से पहले आ जाती तो निश्चित रूप से आपको कम सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलती। अब जो वैकेंसी डिले हुई है, चाहे आचार संहिता के कारण हो या फिर कोई अदर रीजंस के कारण हो, तो इस कारण जब भी अब वैकेंसी न्यू आएगी तो उनमें कुछ पद एक्स्ट्रा बढ़कर आएंगे, तो इससे हमें एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस हमें केवल एक चीज चाहिए, वो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रूप से जारी रख पाना। और जहां तक देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको जो न्यू वैकेंसी है वो जुलाई और अगस्त महीने के अंतर्गत स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की देखने को मिलनी चाहिए। ये देखिए केवल अनुमान है, बट विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द ये जो वैकेंसीज है वो आपके लिए लेके आ जाएगी। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रूप से जारी रखिए, अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपका कौन सा भी अटेम्प्ट हो, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ अपनी स्टडी करिए, अदरवाइज कंपटीशन कितना है आप सभी को पता है। एक वैकेंसी एक बार अपने हाथ से निकल गई तो नेक्स्ट वैकेंसी आने में भी काफी अधिक समय लग जाता है, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। निरंतर रूप से अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखें, निश्चित ही आप सफल होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।